गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सुप्रभात सभी को टुडे वी हैव रीच द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर जियोग्राफी सिलेबस दैट इज लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकॉनमी लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकॉनॉमी में हम जो मुख्य यातायात के साधन हैं इसके अलावा कम्युनिकेशन ट्रेड टूरिज्म ऑल दीज टॉपिक्स विल बी गोइंग टू रिवाइज एंड लर्न सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट लेटस्ट टॉक अबाउट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज फार एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर कंसर्न ऑल ऑफ एस नो दैट द major modes of transportation are through land, water, and air. so let us discuss all these means of transportation one by one. first of all, let us discuss about land transportation. so land transportation consists of three important things, that is, roadways, railways, and the third and the newest one is through pipelines. so let us first talk about roadways and especially roadways in india. रोडवेज इंक्लूड द व्हीकल्स विच प्लाई ऑन द रोड हम सभी को ये बात पता है फॉर एग्जाम्पल बसेज ट्रक्स कार्स बाइक्स एसेक्ट्रा इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट रोडवेज नेटवर्क इन द वर्ल्ड आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका संयुक्त संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद हमारे देश में दूसरा सबसे बड़ा रोड का नेटवर्क है इंडियाज टोटल रोड नेटवर्क एट प्रेजेंट इज़ अराउंड फिफ्टी नाइन लैक किलोमीटर्स ठीक है तो अगर लेंथ की बात करें फिफ्टी नाइन लैख स्क्वायर किलोमीटर्स के आसपास हमारा टोटल रोड नेटवर्क है अब बात कर लेते हैं कि रोड जो नेटवर्क है उसकी क्या एडवांटेज है जो अन्य स्पेशली जब हम उसको रेलवे से या एयरवेज से या वाटरवेज से कंपेयर करते हैं तो फिर रोडवेज की क्या एडवांटेज है जो अन्य मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उन पर सो so, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ मच लोअर एज कंपेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है जो निर्माण करने की जो लागत है रोड्स की वो काफ़ी कम है एज कंपेयर टू रेलवेज और एन एयरपोर्ट एक्सेट्रा इट इज़ अ चीपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ़ॉर लेस नंबर ऑफ पीपल ओवर शोटर डिस्टेंसेज अगर हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना है ज़्यादा लोगों को एक साथ नहीं जाना है तो फिर काफ़ी चीप पड़ता है रोडवेज एज़ कंपेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस देयर फॉर द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज लेस तो किसी के घर तक या किसी के शॉप तक आसानी से सामान को पहुंचाया जा सकता है जिससे कि जो कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग है वो बच जाती है इसी वजह से ये काफी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स है आगे अगर बात करें और एडवांटेजेस की रोडवेज की सो रोड्स कैन बी इजिली कंस्ट्रक्टेड एंड मैंटेन हिल एंड रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री जो हिल एरियाज हैं रिमोट एरियाज हैं देश के उसमें काफ़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं और उनको मेंटेन किया जा सकता है इट इज़ यूज एड द फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवेज एंड एयरवेज ये एक फीडर की तरह काम करता है और जो बाकी ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं जैसे रेलवेज है या वाटरवेज है वहाँ से जो सामान आ रहा है उसको अपने एंड पॉइंट तक अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में रोडवेज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं अब हम बात करेंगे तो हमने एडवांटेजेस की बात कर ली कि रोडवेज़ के क्या क्या एडवांटेजेस हैं ओवर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नाउ वी विल टॉक अबाउट द सिक्स मेजर टाइप्स ऑफ रोड्स विच आर देयर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू देर साइज एंड यूसेज तो साइज और यूसेज के हिसाब से भारत में रोड्स को छः मुख्य भागों में बांटा हुआ है लेट्स डिस्कस वन बाय वन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गोल्ड गोल्डन क्वारिलेटर सुपर हाईवे तो गोल्डन क्वारिलेटर सुपर हाईवे सेकेंड इज नेशनल हाईवेज थर्ड स्टेट हाईवेज फोर्थ डिस्ट्रिक्ट रोड्स फिफ्थ अदर रोड्स एंड सिक्स बॉर्डर रोड्स सो so, अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक अबाउट द गोल्डन क्वारिलेटरल गोल्डन कॉर्डिलेटरल की अगर बात करें देर आर दीज आर सिक्स लेन सुपर हाईवेज विच वर प्राइमरिली कंस्ट्रक्टेड टू कनेक्ट अवर फोर मेट्रो सिटीज दैट इज दिल्ली मुंबई चेन्नई एंड कोलकाता अलॉन्ग विद दिस गोल्डन कॉर्डिलेटरल जो आपको दिख रहा होगा देखिए दिल्ली कोलकाता चेन्नई और मुंबई को जो कनेक्ट कर रहा है दैट इज द गोल्डन कॉडिलेटरल अलॉन्ग विद दिस वी ऑल्सो हैव क्रिएटेड द साउथ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर तो ये जो नॉर्थ से साउथ सदर्न पॉइंट को यानी कि श्रींगर से कन्याकुमारी को जोड़ रहा है और पोरबंदर से सिलचर को जोड़ रहा है ये कॉरिडोर्स भी इसी गोल्डन गोल्डन कॉर्डिलेटरल प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है तो कौन इसको मेंटेन करता है दीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मैनेज्ड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो हम जितने भी रोड्स के बारे में पढ़ेंगे वो किस लिए बनाए हैं उनका पर्पज़ क्या था बनाने का और कौन सी एजेंसी उनको मेनटेन और मैनेज करती है ये सारी चीज़ें हर एक रोड के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमने पढ़ा गोल्डन कॉर्डिलेटल के बारे में जिसके बारे में हमें पता चला कि इनका कंस्ट्रक्शन हमारे चार बड़े मेट्रोज को जोड़ने के लिए और हमारे नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जो कोने हैं कॉर्नर्स हैं उनको जोड़ने के लिए किया गया है इसके बाद दूसरे रोड की बात करेंगे दैट इज नेशनल हाईवेज वी हैव अ लॉट ऑफ नेशनल हाईवेज़ इन आर कंट्री कनेक्टिंग टू वेरियस बिग सिटीज एंड रिमोट एरियाज़ द नेशनल हाईवेज़ कनेक्ट डिफरेंट लार्ज सिटीज़ एंड एक्सट्रीम एरियाज ऑफ द कंट्री तो बड़े शहरों से जो अन्य जो इलाके हैं उनकी कनेक्टिविटी हो सके इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवेज़ का निर्माण किया गया दैन दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड मैनेज बाय दी पी डब्ल्यू डी सेंट्रल पब्लिक वर्कस डिपार्टमेंट इनको मैनेज करता है तीसरे प्रकार के जो रोड हैं वो है स्टेट हाईवेज तो स्टेट हाईवेज की अगर बात करें तो ये जो स्टेट की राजधानी है उसको जो अन्य जिले हैं उस स्टेट में द कैपिटल इज लिंक टू द अदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन अ स्टेट दोज हाईवेज आर नोन एज स्टेट हाईवेज एंड द एस पी डब्ल्यू डी स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मैनेजेस दीज रोड्स नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट रोड्स तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात करें द डिस्ट्रिक्ट रोड्स कनेक्ट डिस्ट्रिक्टडक्वाटर्स विद अदर एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो हैं उससे जो डिस्ट्रिक्ट में और रूरल और अर्बन एरियाज हैं उनको कनेक्ट करने वाली रोड को हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड मैनेज बाय द जिला परिषद नेक्स्ट इज अदर रोड्स तो अन्य रोड की अगर बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हैं ऐसे रोड जो रूरल एरिया को किसी बड़े शहर या किसी कस्बे से किसी टाउन से कनेक्ट करते हैं दीज रोड्स रिसीव स्पेशल केयर एंड फंड्स फ्रॉम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना तो ये जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है इसके द्वारा बनाए गए और मेंटेन किए गए रोड्स को अदर रोड्स की कैटेगरी में रखा गया है आपने अपने गाँव के आसपास भी ज़रूर ऐसे बोर्ड्स लगे हुए देखे होंगे जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का बोर्ड लगा होगा उसके द्वारा उसकी लागत से ही वो रोड बनाया गया है और आखिरी प्रकार के रोड जो हमारे देश में पाए जाते हैं वो है बॉर्डर रोड्स जो कि हमारे सीमावर्ती इलाके बॉर्डर एरियाज में मिलते हैं दीज रोड कनेक्ट बॉर्डर एरियाज ऑफ द कंट्री फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री जो देश के अन्य हिस्से हैं उनसे बॉर्डर को कनेक्ट करते हैं दीज आर नोन एज बॉर्डर रोड्स दीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय द बी आर ओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो एक संस्था है जो कि भारतीय सेना का ही एक अंग है वो बॉर्डर रोड्स को बनाती है और उनको मेंटेन और मैनेज करती है अब अगर बात करें फर्दर रोड्स की तो रोड्स को मटेरियल यूज्ड के हिसाब से भी क्लासिफाई किया है दो प्रकार के रोड में जैसे जिसको हम कच्चा और पक्का रोड बोलते हैं मेटल्ड एंड अनमेटल्ड रोड्स सो मेटल रोड्स कौन से होते हैं रोड्स विच आर मेड अप ऑफ सीमेंट कंक्रीट और बिटोमिन ऑफ कोल आर नोन एज मेटल्ड और ऑल वेदर रोड्स ऐसे रोड्स जिसमें सीमेंट कंक्रीट या चारकोल का प्रयोग करके बनाया जाता है और उनको ऑल वेदर रोड्स भी कहा जाता है तो फिर अनमेटल रोड कौन से होते हैं द रोड द रोड्स विच आर मेड ऑफ लो ग्रेड मटीरियल एंड गो आउट ऑफ यूज ड्यूरिंग द रेनी सीजन जो कि बहुत आसानी से टूट जाते हैं उसमें ज्यादा स्ट्रांग मटीरियल का यूज नहीं किया होता है कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं रोडवेज या लैंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भारत में द नेशनल हाईवे ट्वेंटी फोर एनएच सॉरी फोर्टी फोर प्रीवियसली नोन एज एन एच सेवन इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ज थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी फाइव किलोमीटर लॉन्ग तो एन एच फोर्टी फोर इस समय हमारे देश में सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है पहले यह एन एच सेवन था इसको हम मैप वर्क में करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि ये कहां से कहां जा रहा है द एनएच फोर्टी फोर रन फ्रॉम श्रीलंक श्रीनगर टू कन्याकुमारी जो एन एच है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी जा रहा है पहले ये एन एच था जो वाराणसी से कन्याकुमारी जा रहा था अब इसको हमने एन एच का नाम दे दिया है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जा रहा है द एन एच सेवन अर्लियर रैन फ्रॉम वाराणसी टू तो कन्याकुमारी अब अगर हम विश्व में सबसे बड़े कॉन्टीन्यूस रोड की बात करें तो द पैन अमेरिकन हाईवे इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन द वर्ल्ड एंड इट कवर्स इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड एंड इट कवर्स An approximate distance of around 48,000 kilometers. So let's move on to the assignment part. Here we have question number first classify roads in India according to their capacity. Next question is What are the advantages of roadways over other means of transportation? Question number three Name the longest national highway in India. So I hope you understood the topics which we have discussed today. If the video was informative, please like it. Share it with your friends so that they can also benefit from the information which we have discussed. Give your valuable suggestions through your comments so that I can make further improvement in the coming videos. And do not forget to subscribe my channel for latest and more informative videos. Thank you and have a nice day.